नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बीजेपी का आप विधानसभा घेराव, और उस घेराव पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई, उसको लेकर के बीजेपी इस पूरे मामले पर नीतीश सरकार को जहां घेर रही, तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार और उसके अधिकारी लगातार इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी ने जानबूझ करके जो है हुड़दंग मचाया, कानून को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से बीजेपी वालों पर जो है लाठीचार्ज हुआ। मिर्च के पाउडर तक का जो है वो सुरक्षाकर्मियों पर फेंके गए, बैरिकेटिंग्स तोड़ी गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब पटना के कोतवाली थाने में FIR दर्ज हो गई। अब ऐसे में इस पूरी FIR में क्या कुछ लिखा गया, तो इस पूरी FIR में क्या कुछ लिखा गया है, किस तरीके से पूरी FIR हुई है, आपको विस्तार से बताते हैं। तो पूरा मामला कुछ यूँ है कि पटना के कोतवाली थाना इलाके में, क्योंकि 13 तारीख को बीजेपी जो राज्य जो विधानसभा मार्च कर रही थी, उस मार्च को गांधी मैदान से शुरू वो मार्च हुई और उसके बाद इसको विधानसभा पहुंचना था, और इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है कोतवाली थाने का पड़ता है, जहां पे पूरा लाठीचार्ज हुआ। डगबंगला चौराहे और उसके आसपास के इलाके वो सभी कोतवाली थाने के अंदर आते हैं, और वहीं पर ये पूरा बवाल हुआ। करीब करीब जो है जो घटना का वक्त इसमें जो लिखा गया है वो दोपहर के 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच की ये पूरी घटना है, और इसी बीच में सब कुछ हुआ है। अब देखिए, जो पूरा जो पूरी FIR है उसमें बीजेपी के जो है कुल नामजद जो हैं, इसमें 63 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें प्रेम कुमार विधायक हैं, रामकृपाल यादव हैं, मंगल पांडे हैं, संजय सरावगी हैं, जिवेश मिश्रा हैं, यानी बीजेपी के तो तमाम विधायक उनके नाम है, देवेश कुमार है, रूप नारायण महतो इसके अंदर है, ओम प्रकाश भूत ये हैं, लाजवंती झा हैं, विकास कुमार मेहता, मनोज कुमार, पप्पू वर्मा, अमित यादव, लवकुश सिंह, रणधीर ठाकुर, जीवेश कुमार हैं, ललन सिंह जो पूर्व प्रत्याशी हैं, सुनील चौधरी, मुरारी मोहन झा, विश्वेश्वर प्रसाद शंभू, ये तमाम लोग हैं जिनके नाम इसमें लिखे गए हैं, ये पहले पन्ने पर हैं। अब देखिए, जो FIR लिखी गई उसमें लिखा गया है कि सूचित करना है, ये सेवा में थाना अध्यक्ष कोतवाली थाना पटना को ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसके हवाले ये पूरी शिकायत जो है FIR जो है करवाई गई। शशि भूषण कुमार जो हैं इसमें शिकायतकर्ता हैं, जिनके बयान के आधार पर जो है ये शिकायत दर्ज हुई है। अब इसमें लिखा गया कि मैं शशि भूषण कुमार वर्मा, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मसौरी पटना में पदस्थापित हूँ। दिनांक 13 तारीख को मेरी प्रतिनियुक्ति अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था पटना कार्यालय ज्ञापन संख्या जो है इससे हुई थी, और मैं 12 तारीख को ही पटना के रघुनाथ चौराहे पहुँच गया था। भारतीय जनता पार्टी के करीब 7 से 8 हज़ार नेता एवं कार्यकर्ता हाथों में भारतीय जनता पार्टी झंडा लिए गांधी मैदान से विधानसभा की ओर समय करीब 12:35 पर गांधी मैदान से निकले, और साथ में बैनर लाठी तो भाजपा के झंडे, 4 वाहन जिस पर माइक्स लगे हुए थे, तमाम चीज़ें थी। इसके आगे वो लिखते हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी पूरी ये जो इसमें भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को भीड़ करीब जो है 1 बजे के आसपास SP बर्मा रोड होते हुए डाकबंगला चौराहे की तरफ पहुंची, ये चिट्ठी इस FIR में लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है कि डाकबंगला चौराहे के आगे बीजेपी वाले बैनर लाठी लेकर हुड़दंग करते हुए लगाए गए बैरिकेटिंग तरफ दौड़ते हुए आए और नारा लगाते हैं। वहाँ पर प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मिर्ची पाउडर छिड़क दिए, जिससे पुलिसकर्मी पीछे हटकर अपना आँख साफ करने लगे। इसी बीच अन्य कुछ कार्यकर्ता उग्र होते हुए लाठी डंडे से बैरिकेटिंग के ऊपर मारने लगे तथा बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़कर पुलिस बल से उलझ गए। इसके साथ साथ वहाँ धारा 144 लगी हुई थी, इसका जिक्र किया गया है। इसके बावजूद जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं मानी और उग्र होकर के बैरिकेटिंग तोड़ते हुए ऊपर से फानकर पुलिसकर्मियों को थका मुक्की करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। तब दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उद्घोषित करते हुए उक्त भीड़ को नाजायज मजमा घोषित कर दिया गया तथा उन्हें बिखर जाने का आदेश दिया गया, पर वह नहीं माने और उनके द्वारा विधि विरुद्ध जमाव मेट्रो कार्यस्थल से पत्थर उठा करके दंडाधिकारी पुलिसकर्मियों पर बौछार करने लगे, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई तथा उनके द्वारा चलाए गए पत्थर एवं लाठी डंडे से जख्मी हालत में पाए गए पुलिसकर्मियों ने अपना नाम PTC 322 राणा विक्रमादित्य, PTC 5232 शोभा कुमारी, PTC 160 ये पुलिस वालों के नाम है जो कि घायल हुए हैं। उसके आगे फिर लिखा गया कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद लिखा गया कि फिर जो है आंसू जैसे गोले छोड़े गए और उसके बाद पुलिस ने जो है लाठी चार्ज किया। ये इसमें ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। तमाम उपद्रवियों के द्वारा किए गए जा रहे पथराव से जुलूस में शामिल लोग एवं अलग अगल बगल से आने वाले आमजन भी जख्मी हुए, जिस कारण अफरा तफरी की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि
आम जनों के साथ साथ किसी की भी जान माल का खतरा दिखने लगा तथा अफरा तफरी और भगदड़ का दायरा उक्त एकत्रित उपद्रवियों द्वारा बढ़ाया जाने लगा। नाजायज़ मजमा बड़ी तेज़ी से बैरिकेटिंग के पास आए और बैरिकेटिंग्स को उसके द्वारा तोड़ दिया गया तथा करीब 50 से 60 बैरिकेटिंग्स को तोड़ते हुए इनकम टैक्स गोलंबर के तरफ जाने लगे। ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई। उसके बाद लिखा गया कि हल्की लाठीचार्ज जो है वह किया गया है, ये इसमें लिखा गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सबको मालूम है कि ये किस तरीके का लाठीचार्ज था। पुलिस के द्वारा प्रदर्शन कर रहे नाजायज़ मजमा को खदेड़ दिया गया तथा पुलिस के द्वारा खदेड़े जाने से भीड़ कुछ समय के लिए इतर बितर हो गई और फिर ये भीड़ जमा हुई। इस तरीके से जो इन परिस्थितियों में सांसद सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद, पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं, माननीय विधायक संजय सरामगी समेत अलग अलग जो लोग हैं उनके नामों का जिक्र है यहाँ पे। और इन तमाम लोगों की तरफ से जो है फिर से भीड़ को उकसाया गया, इस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं। और इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया और उनको पत्र भरवा करके छोड़ दिया गया, ये लिखा गया। जिन्हें बंद पत्र भरवाने के बाद छोड़ दिया गया, उपद्रवियों के पास से जब्त मिर्ची के थैले को जब्त किया गया है और घटना की वीडियोग्राफी कराई गई है, ये बातें इसमें लिखी गई हैं। अब इसमें नीचे लिखा गया कि जख्मी अन्य पुलिसकर्मियों के संबंध में पता लगा करके नाम उपयुक्त नामजद एवं अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा जो है वो की जाए। इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं इस पूरे शिकायत में। और जो FIR हुई है वो पटना की विधि व्यवस्था कोतवाली 2023 केस नंबर जो है 516/23 है। 13 तारीख यानी कि जिस दिन ये मार्च था उसी दिन इस FIR को लॉन्च किया गया। जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 188, 147, 149, 323, 324, 337, 338 और 353 IPC की धाराएं शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ इसमें जो पूरा हिस्सा जहाँ पे पूरी घटना हुई है डगबगला चौराहा है और पूरब में करीब 300 मीटर तक इस पूरी घटना में पुलिस ने बल प्रयोग किया और पुलिस के ऊपर हमले हुए, तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और उसके बाद जो है इन तमाम ये जो कुल नेता हैं इस पूरी जो नामजद बनाए गए हैं उसमें कुल 62 लोग हैं और इन 62 लोगों के खिलाफ जो है ये नामजद FIR की गई है और साथ ही साथ अज्ञात के विरुद्ध भी FIR की गई है। IPC की कई धाराएं लगाई गई हैं और जिस तरीके से BJP ने प्रदर्शन किया और जिस तरीके से BJP वालों ने के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि पहले BJP कार्यकर्ताओं ने नियम को तोड़ने की कोशिश की, धारा 144 लगी हुई थी वहां पर, बावजूद इसके BJP वाले वहां पर आए और उन्होंने पत्थर उठा करके पुलिस वालों पर हमला किया, मिर्च के पाउडर से हमला किया गया जिसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।